नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। हमेशा से हमारी ये क्वेरी होती है कि हमारा जो मिक्स है जब हम सिंगर को भेजते हैं या यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं वो लाउड नहीं होता दूसरे गानों के कंपैरेटिवली, तो किस तरह से वो लाउड हो बिना ज्यादा क्रैकअप किए, बिना क्रश किए। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा जो मिक्स है ओवरऑल वो किस तरह से लाउड हो सकता है, एग्जैक्टली सही लाउडनेस अचीव किस तरह से हम कर सकते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बैठे ही हैं, नोटिफिकेशन बेल भी आपने ऑन की होगी। देव नेक्स्ट लेवल बीट्स मेरा न्यू चैनल है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बैक टू द टॉपिक, मैं यहां जाता हूं जल्दी से और चलिए मैं कोई भी एक ड्रम लूप ले लेता हूं। मैंने ये ली, ठीक है, एक बार इसको सुन लेते हैं, मेट्रोनोम करते हैं ऑफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां गया और ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि एकदम ये जीरो को टच कर रही है, ठीक है, फेयर इनफ, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर मैं इसको एकदम जूम कर लूं, यहां पर ये कुछ हिस्सा है जो एकदम टॉप को टच करता है, फिर थोड़ा सा नीचे हो जाता है, फिर एक टॉप पे जाता है, फिर थोड़ा नीचे हो जाता है। तो वो जैसे ही मेरी पीक को टच करता है, मेरा जो कंप्यूटर है वो बोल देता है ठीक है जी, जीरो जीरो है, लाउड हो गया, इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते जी, क्लिप हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, डिस्टॉर्शन हो जाएगी। तो मैं पीक के नहीं, मैं RMS के ऊपर ध्यान दूंगा, या LUFS आप बोल सकते हैं। LUFS एक तरह से RMS की ही वो ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्म कह सकते हैं। RMS क्या चीज़ है, देखिए, अब ये लाउड है, ये नहीं, ये लाउड है, ये नहीं, ये फिर से लाउड हुई, ये नहीं। क्या होता अगर ये तीन हिस्से तो लाउड होते लेकिन बीच वाले थोड़ा 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 और बड़ा होता, तो कितने ही खूबसूरती से वो ओवरऑल हमें लाउड सुनता, क्योंकि लाउडनेस की जो परसेप्शन है वो हमें ऐसे लगती है कि ये ज़्यादा लाउड है। किस तरह से जल्दी हम जाते हैं, यहाँ गया और मैं एक क्लिपर लूंगा, मेरा फेवरेट क्लिपर है BSA क्लिपर, बहुत ही इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ ये नहीं है, ग्राफ्स बन गए कुछ, मतलब अभी आप देखिएगा बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी जो थ्रेशोल्ड है यानी कि मैं इसके आउटपुट को यहाँ -1 या चलिए -1.5, मैंने यहाँ -1.5 पे रोक दी। अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने क्या किया है कि ये जीरो को टच हो रहा था, जीरो नहीं, अभी मैंने -1.5 पे ले आया हूँ, देखते हैं। ठीक है, डाउन हो गई है क्योंकि मैंने उसकी आउटपुट रोक दी, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करने वाला हूं, नीचे से मैं धीरे 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 उसका गेन बढ़ाऊंगा। कहां तक, अब मैंने जो छत थी, मेरे जो सिर के ऊपर छत है वो जीरो पे थी, मैंने उसको कम करके -1.5 पे ले आया, और जो अब नीचे से जो मेरा सिग्नल है जो ऑडियो का वो मैं धीरे 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 बढ़ाऊंगा। जब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसे टच होगा, मैं और बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली वो ये थोड़ा इस तरह से होना शुरू होगा, तो वहाँ पे शार्प पॉइंट्स बनेंगे, डिस्टॉर्शन ऐड हो सकती है। तो मैं बहुत धीरे धीरे बहुत ही सटल करूँगा, मैं खुद ही क्लिप कर रहा हूँ, सॉफ्ट क्लिप करते हुए मैं ओवर नहीं करूँगा, देखता हूँ कहाँ तक वो क्लिप है जो मुझे पसंद आती है। राइट, अब पहले जीरो पे टच किया साउंड थी, अब इससे दो फायदे हुए, लाउड भी सुन रहे जो परसीव्ड लाउडनेस अब ज्यादा हो गई, दूसरा मेरे पास 1.5 डेसिबल का हेडरूम भी तो आ गया है कि नहीं, यानी कि अभी मैं एक और लिमिटर ऐड कर सकता हूं, या मैं कोई और चीज, कोई हल्का सा वेव शेपर लिया या कोई और चीज ली जिससे मैं थोड़े से हार्मोनिक साइड, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास 1.5 डेसिबल का एक्स्ट्रा हेडरूम आ गया, पहले हेडरूम था ही नहीं। तो ये दो फायदे हुए। अगर आप देखें ये जो लाइट ब्लू लाइन है ये बता देता है मैं कितना सिग्नल मेरा क्लिप हो रहा है, यहां से पूरे आप देख सकते हैं डेसिबल एकदम ईजी, मैं कितना गेन कर रहा हूं, कितना मैंने उसको यहां पर कम या ज्यादा रखा है। ओवरऑल अगर आप मिक्स अपना लाउड चाहते हैं तो क्लिपिंग एक बहुत जबरदस्त टूल है, ब्लैक सॉल्ट ऑडियो का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप चाहें तो 14-day ट्रायल हमारे पास है, हम 14 दिन से ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बिलीव मी एक बार अगर आपने इसे ट्राई कर लिया तो आप दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसका जो डिजाइन है बहुत ही, इन्होंने लिखा भी है डेड सिंपल क्लिपिंग, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल। जरूर चेकआउट कीजिए, और अगेन मेरा नया चैनल है देव नेक्स्ट लेवल बीट्स, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पुराना चैनल है ऑब्वियसली, उसको तो आप सब्सक्राइब करके बैठे ही हैं, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइए, फेसबुक के ऊपर हो या इंस्टाग्राम के ऊपर हो, देव नेक्स्ट लेवल सर्च कीजिए, आपके सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा। और हमारी यूट्यूब प्लेट अभी अभी आई है, हमारा सिल्वर प्ले बटन, मिलते किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते।